ध्यान दिया जाए। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो केमिकल कैलकुलेशन करने में, रासायनिक गणना करने में काफी हेल्पफुल साबित होता है। और ये चैप्टर है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऐसे इस चैप्टर को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वो अवकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसे पूरा डिटेल में हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको और अच्छे से समझने के लिए एक टॉपिक का जरूरत है, जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझना चाहेंगे, अलग अलग रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण को समझना चाहेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलेगा और आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीकरण संख्या, संख्या ऑक्सीकरण संख्या के नाम से ये जाना जाता है। क्या है ये ऑक्सीकरण संख्या, जरा ध्यान दिया जाए। एक अणु है NaCl, आप सभी स्टूडेंट को इतना नॉलेज हो चुका है कि Na का परमाणु संख्या 11 होता है और Cl का 17, तो 11 के अनुसार 2 8 1 और क्लोरीन 17 के अनुसार 2 8 7। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, आज के क्लास पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्लास है इस चैप्टर का। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इस त्याग और ग्रहण से Na अपने ऊपर विकसित कर लेता है धनावेश, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये विकसित कर लेता है ऋणावेश, और ये धनावेश और ऋणावेश विकसित होने से ही ये अणु बनकर रह जाते हैं। और आपको समझ में आना चाहिए कि यहां एक इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से हमेशा के लिए उत्पन्न हो गया है सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। तो यहां पर हम एक विद्युत संयोजक यौगिक का एग्जाम्पल लिए, एक स्वस्थ संयोजक यौगिक का भी एग्जाम्पल साथ साथ लेकर चल रहे हैं। एच का परमाणु संख्या 1 होता है, Cl का 17। हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी आपको हम तुरंत सामने रख रहे हैं। देखिए, एच अब एक इलेक्ट्रॉन लाया, Cl 7 इलेक्ट्रॉन लाया। कहां से लाया, बॉटम पद से देखा जाता है, यहां से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, साझेदारी होने के लिए हो गया, लेकिन ये दोनों परमाणु अलग अलग क्षमता वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचने में अलग अलग क्षमता रखता है। आपको ये क्षमता समझना है कि क्षमता क्या बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहां एच और एच के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, किसी और इलेक्ट्रॉन नहीं खिंचाएगा, ना बाएं ना दाएं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां दो असमान परमाणु है, असमान क्षमता होगी, निश्चित इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। ये बात अलग है कि हमेशा के लिए नहीं उठकर जाएगा, लेकिन हल्का सा खिंचा जाएगा। तो यहां आंशिक चार्ज यानी पार्शियली चार्ज अलग होगा, आंशिक आवेश की व्युत्पत्ति होगी। तो यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस। हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं कि देखिए यहां का चार्ज, यहां भी चार्ज उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, और यहां भी आवेश उत्पन्न हो रहा है। दोनों के आवेश में बहुत ज्यादा का अंतर है। ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है और क्लोरीन ने हमेशा के लिए ग्रहण कर लिया है। तो हमेशा के लिए जब त्याग और ग्रहण होता है तो पूरा पूरा +1 पूरा पूरा -1 उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिसक गया है, तो हमेशा के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिया है, केवल हल्का सा इसकी तरफ खींचा गया है, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन खींचने में। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उत्पन्न हो रहा है, ये डेल्टा इशारा है आंशिक आवेश को दिखाने का, आंशिक आवेश की व्युत्पत्ति का। तो आवेश तो ये भी है और आवेश ये भी है, दोनों आवेश ही है, लेकिन ये आवेश वास्तविक आवेश है और ये जो आवेश है काल्पनिक आवेश है। अब आप हमारा परिभाषा जो हम देने जा रहे हैं सुनेंगे तो दिमाग में ठहरेगा।
किसी अणु में परमाणु के ऊपर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश होता है, बस इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कौन है? HCl। परमाणु कौन है? HCl। इसके ऊपर जो आवेश विकसित होता है, पता है इस पर भी प्लस वन और माइनस वन आवेश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये प्लस वन माइनस वन काल्पनिक है। हम कल्पना कर रहे हैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है केवल, और ये खींच लिया हमेशा के लिए, इसने त्याग किया और इसने ग्रहण किया। तो इसका जो आवेश है वास्तविक आवेश है, तो किसी अणु में परमाणु के ऊपर स्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या के बारे में विशेष जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं, जो भी बोलेंगे दिखाई देगा। किसी भी अणु में या कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक होता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसकी ओर से इलेक्ट्रॉन खींचाता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा धनात्मक होता है, या जो त्याग करता है उसका धनात्मक होता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान ऋणात्मक होता है। दोनों चीज दिख रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कि जब दो परमाणु के बीच जो बॉन्ड का निर्माण होता है, अगर विद्युत संयोजक बंधन बनता है, तो विद्युत संयोजक बंधन बनता है जो, तो वहां जो आवेश स्थित होता है यानी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो वास्तविक आवेश के रूप में होती है, लेकिन जब दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, साझेदारी वाला बंधन होता है, तो वहां जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो काल्पनिक आवेश के रूप में होती है। जो आप देख रहे हैं यहां जो बंधन है वो सहसंयोजक है, और यहां जो बंधन है विद्युत संयोजक है, इसी को आयनिक बंधन भी कहते हैं। तो यहां जो आया ऑक्सीकरण संख्या वो वास्तविक आवेश के रूप में है, हमेशा के लिए त्याग ग्रहण हुआ है, और इस वाले में इस आंशिक आवेश कहेंगे, मतलब यहां जो काल्पनिक आवेश कहेंगे, क्योंकि यहां हमेशा के लिए त्याग ग्रहण नहीं हुआ है, केवल सीएल की ओर हल्का सा खींचा गया है, आकर्षित हो गया, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जो डिटेल जानकारी दिया गया कि कभी भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक होगा। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान जब होगा तो पॉजिटिव होगा। कभी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं अगर निगेटिव आ गया तो आप कंफर्म नहीं है कि आपका बनाया हुआ आंसर गलत है, या अगर अधातु का है तो अधातु का हमेशा, अधातु नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक, और त्याग करने वाले का धनात्मक। लेकिन धातु का जब होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने से संबंधित रूल रेगुलेशन, जरा ध्यान दिया जाए। जो भी बात हमने समझाया उसको आप लिखित रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमने यही बताया कि यौगिक के अणु में वर्तमान विभिन्न तत्वों के परमाणु पर स्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसके बाद आपने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में विशेष जानकारी लिया कि ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक सब जब देख लिए, शून्य भी देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं। देखिए H और H के बीच अगर हम ऑक्सीकरण संख्या का अध्ययन करें, क्या क्या लगता है कि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? तो जब नहीं खींचेगा तो कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा, कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा तो ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य, और होता भी है शून्य। यहां पर जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? धनात्मक। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान, जब दो परमाणु के बीच विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या वास्तविक आवेश के रूप में, और जब सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है काल्पनिक आवेश के रूप में होती है, जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। और अब चलते हैं इससे आगे। अब यहां पर आपको हम 11 नियम 11 रूल देने जा रहे हैं। ये 11 नियम में क्षमता है कि दुनिया के किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकलवाने में हेल्प करेगा, और आपको ये 11 नियम पूरे इस चैप्टर में, मात्र इस 11 नियम को याद करना है, उसके बाद पूरा चैप्टर
इसी तरह से आराम से समझते हुए पढ़ना है। लेकिन ये 11 नियम आपको 3 दिन के अंदर में आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद कर लेना है, और आपको क्लास में ही लगभग याद हो जाएगा समझते समझते। जैसे पहला नियम सुनिए, किसी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव 0 होता है। मुक्त अवस्था का क्या मतलब? फ्री स्टेट, जिस स्टेट में वो पाया जाता है। जैसे फास्फोरस का बात कीजिए तो फास्फोरस इस धरती पर P4 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। तो P4 मतलब, जो लोग P4 को आज तक नहीं देखे हैं, ऐसे तो आप लोग देख चुके हैं सहसंयोजक बंधन, वहां पर पढ़ते समय रासायनिक बंधन चैप्टर पढ़ते समय आप लोग देख चुके हैं P4 का निर्माण। फास्फोरस के माध्यम कक्ष में कितना होता है? 5। यहां पर 3 सेलदारी में भाग लिया है और 2 बच गया है, तो ये P4 का संरचना है। अब आप ही बताइए, क्या ये P इस P से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई किसी से खींचेगा? तो प्रत्येक P पर आवेश क्या उत्पन्न होगा, और आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यही कारण है कि P4 में P का ऑक्सीकरण संख्या 0, सल्फर का S8 में, क्या S8 का स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे? S8। अब आप ही बताइए, S से जुड़ेगा तो क्या किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो S8 में प्रत्येक सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान, अब Cl2 आ गया तो Cl बॉन्ड Cl, क्या किसी कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो यहां पर Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, Au सोना इस धरती पर डायरेक्ट Au के रूप में पाया जाता है। तो जो तत्व तो जिस अवस्था में पाया जाता है उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। बस यही रूल नंबर 1 सिखाकर जा रहा है। आज के बाद अगर हम पूछ दे कि बताइए केवल सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आप 0 बोलेंगे। Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, 0। फास्फोरस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन N2 ट्रिपल बॉन्ड से ये बना होता है, तो बना रहने से क्या हो जाएगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, तो आवेश उत्पन्न होगा नहीं, और आवेश नहीं उत्पन्न होगा तो ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। तो इस तरह से रूल नंबर 1 समाप्त होता है। और जाते जाते क्या सिखाया, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान मुक्त अवस्था में क्या होता है? रूल नंबर टू कह रहा है किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। अभी हम 2 यौगिक आप लोग के सामने लेकर आए हैं स्टार्टिंग में, एकदम शुरू में, कौन कौन बोलिए? NaCl कितना आया था? +1 -1, जोड़िए। HCl +1 -1 क्या आया? तो किसी भी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है, और बीजगणितीय योग में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। अब यहां पर देख सकते हैं तो किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 आता है। क्यों 0 आता है इसका भी प्रूफ हम दे रहे हैं। यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता, और आवेश का दूसरा नाम ऑक्सीकरण संख्या है। अगर हम इतना बड़ा यौगिक भी लिख दें, और आपसे पूछ दे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, क्या कोई आवेश दिखाई दे रहा है? अब हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा -2। इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा -3। और इतना बड़ा यौगिक लिख दिए तो आप एकदम बेहिचक बोल दीजिए कि 0। तो यही कारण है कि यहां किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। या H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सबके ऑक्सीकरण संख्या को लिख लिख कर जोड़ेंगे, अंतिम में 0 आएगा। यहां आपको अभी पता नहीं है कि कैसे लिखा रहा है, बस अभी जानिए हाइड्रोजन का 1 होता है -2, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2 × 4। -2 कैसे आया, आगे आ रहा है रूल नंबर 4 में, जहां हम आगे जानेंगे। रूल नंबर 3 यहां सामने है, तो यहीं पर देख लीजिए। हाइड्रोजन का साधारणतः किसी भी यौगिक में क्या होता है? +1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 लिख दिए। इसी तरह ऑक्सीजन का रूल नंबर 4 में आ रहा है, कि ऑक्सीजन का साधारणतः क्या होता है? -2। लेकिन जरूरत अभी पड़ गया तो हम रख दिए हैं, रख कर ही दिखाने का। देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये पूरा हम लोग कैसे लिखेंगे? +1 × 2 + 6 − 2 × 4, जोड़िए आ रहा है 0। 6 × 2 = 8 और -8, ठीक है। तो किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। रूल नंबर 1, किसी भी तत्व का मुक्त या संयुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है। और यौगिक किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग
तीसरा ध्यान से समझेंगे, दो तीन लोग जिसका ध्यान देना है, देखिए इधर, हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपको बताइए तब ऑक्सीकरण संख्या समझिएगा, वन। आप ही बताइए, वन जिसके बाह्यतम कक्ष में है या तो वन का त्याग कर सकता है या तो ग्रहण। और अभी तुरंत पढ़े हैं कि त्याग करने वाले का ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होता है और ग्रहण करने वाले का, तो जब यही हाइड्रोजन अगर अधातु के साथ आएगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो साधारणतः सभी यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन होता है, लेकिन यही हाइड्रोजन अगर धातु के साथ आ जाए जैसे NaH, MgH2, CH2, तो धातु तो एकदम निश्चित है कि वो खुद त्याग करेगा, इसको जबरदस्ती क्या करना होगा, ग्रहण। तो यहां पर देखिए Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, तो इसको इस तो प्लस वन होगा, तो इसको क्या होना होगा, तो धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा माइनस होता है, लेकिन साधारणतः सभी यौगिकों में क्या होता है, जैसे अभी आप लोग इसमें देखिए प्लस वन इंटू टू, जैसे आप इसमें देखिए प्लस वन, HCl, HBr, HI, HNO3 सब जगह प्लस वन, सब जगह प्लस वन, कहां पर केवल माइनस वन, धातु के हाइड्राइड में, जहां धातु और हाइड्रोजन केवल आएगा, दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं बीच में आएगा, अगर आ गया तब उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या प्लस में चला जाएगा, धातु और हाइड्रोजन केवल मिलकर यौगिक बनाएगा तो ही माइनस वन होगा, सोडियम हाइड्रोजन कोई नहीं आया बीच में, केवल धातु हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोजन, कैल्सियम हाइड्रोजन, तो यहां पर केवल माइनस वन होगा, कौन किसका माइनस वन होगा, हाइड्रोजन का। और किसी भी साधारणतः यौगिक में 90% यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कभी प्लस टू भी हो सकता है, नहीं, हाइड्रोजन का क्षमता ही कितना का है, दे भी सकता है किसी को तो एक, और ले भी सकता है तो एक, कारण है कि हाइड्रोजन किसके बराबर पूरा करता है, हीलियम के बराबर, और जितना पॉकेट में पैसा रहेगा उतना ही ना खर्च करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक त्याग कर सकता है, और ग्रहण भी करने पर इस पर लिमिटेशन है क्योंकि हीलियम के बराबर पूरा करता है। ये था रूल नंबर तीन। रूल नंबर चार, ऑक्सीजन परमाणु के लिए स्पेशल ये रूल बना है, और ये रूल क्या सिखाता है कि ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे विभिन्न यौगिकों में देखी जाती है। तो सबसे पहला रूल ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्सीजन के लिए, जल्दी से बोलिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, आठ के अनुसार 2-6। अब आप ही बताइए इसको अष्टक पूरा करना है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 8 पूरा हो जाएगा कि त्याग करेगा, जो बोले हैं कमांड रखिएगा अपने बात पर, आपने बोला ग्रहण करेगा और कितना, तो 2, तो 2 लिख दिए, ग्रहण करेगा तो माइनस लगा दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं कि ग्रहण करने वाले का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा, तो अधिकतर दुनिया के सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान माइनस 2 होता है। और कुछ स्पेशल कंपाउंड हम आपके सामने धीरे धीरे करके एक एक करके ला रहे हैं, वहां पर अलग अलग तरह का 5 तरह का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन अकेले दिखाएगा। अभी आप एक तरह का केवल देखे हैं और वो साधारणतः 80% यौगिक में माइनस 2 लाता है। अब आगे जरा समझा जाए, पेरोक्साइड अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान माइनस 1 होता है। तो ये है पेरोक्साइड, ये है पेरोक्साइड जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान माइनस वन होता है। और सुपर ऑक्साइड, तो यहां पेरोक्साइड जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका देख सकते हैं कारण क्या है कि ये 2 माइनस 2 क्यों नहीं दिखाएगा, इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्या इधर से भी खींच लेगा, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों परमाणु समान है, और समान होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक ओर से नहीं खींच पाएगा, तो इधर से केवल खींचेगा तो इस पर हो जाएगा प्लस वन और इस पर हो जाएगा, यही बात यहां भी देखने के लिए मिलेगा, इधर से खींच लेगा लेकिन इधर से नहीं खींच पाएगा, इसलिए माइनस वन ही रह जाएगा। तो पेरोक्साइड अवस्था में माइनस वन होता है, सुपर ऑक्साइड अवस्था में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1/2 होता है। जब ये जो सुपर ऑक्साइड है इसको सुपर ऑक्साइड को बोलते हैं O2 माइनस,
O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ जब संयोग करता है K प्लस O2 माइनस तो बन जाता है KO2। CS प्लस प्लस O2 माइनस का संयोग होता है तो बन जाता है CSO2। तो याद रखिएगा ये सुपर ऑक्साइड, इसका किसको कैसे पढ़ते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, लिथियम सुपर ऑक्साइड। तो इन सभी सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होता है। लास्ट जा रहा है, जल्दी से अच्छे से दम ध्यान से समझ लीजिए डी। नेक्स्ट कह रहा है कि OF2 यौगिक में, आपको पता है इस अवर श्रेणी में सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व कौन है, इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है। तो जरा सा देख लीजिए OF2 का स्ट्रक्चर, खोल दिए OF2 फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकतवर आपने बताया है, तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए तो होने के लिए तो हो गया, लेकिन ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन कौन खींचने में सफल रहेगा, तो इधर खींचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा खींच रहा है, तो इस पर हो जाएगा -1 और इस पर, जरा समझिएगा, और ये भी वही काम इधर भी करेगा, तो इधर आ जाएगा और इधर, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपको याद रखना होगा केवल एक तत्व है जिसके सामने ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, और वो तत्व कौन है, क्लोरीन। और यहां एक यौगिक है सिर्फ पूरे, मतलब केमिस्ट्री में एक सिंगल यौगिक है जहां OF2 जिसको बोलते हैं, और कहीं नहीं, सिर्फ OF2 में O का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। कैसे होता है, जवाब सामने है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो अपने पर विकसित करेगा -1 और इस पर, उसी तरह इधर खींचेगा तो इधर -1 और इधर +1 +1 +2। तो इस तरह से OF2 में केवल, बाकी ये समझ रहे हैं आप लोग, O2 में O ये O2 F2 है, एक साथ है, O2 F2 में बात कर रहे हैं अब हम, O2 F2 में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान देखा जाए, O2 F2 में इधर से ही खींच लिया तो +1 हो गया -1, और यहां से आपस में खींचेगा नहीं का मतलब 0, और इधर खींचेगा -1 +1। तो सिर्फ और सिर्फ O2F2 में, देखिए ध्यान से, OF2 था, यहां देखिए O2F2 है, तो सिर्फ O2F2 में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, +1 होगा, ठीक है +1, और यहां आया +2, और O2F2 में O2F2 का डबल की O2 में O3 में यहां O की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, 0 होगा। O2 में O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, 0। क्यों होगा देख लीजिए, क्यों होगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसलिए 0 होगा। तो जल्दी से बता दीजिए O का ऑक्सीकरण संख्या आपने कितना तरह का पढ़ा, सबसे पहला -2, फिर पेरोक्साइड में, फिर सुपर ऑक्साइड में, साधारणता केवल O2 में 0, O2 O3 में 0, O2F2 में OF2 में +2। तो 5 तरह का ऑक्सीकरण संख्या यहां आपने देखा, साधारणतः जनरल स्टेट में -2, पेरोक्साइड स्टेट में -1, सुपर ऑक्साइड में, और सिर्फ O2 और O3 में 0, और O2F2 में और OF2 में। ये जो रूल आप पढ़ रहे हैं, इस रूल का पूरा उपयोग आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में होने